नहीं, एक घंटा से गुफा बनाने में लगती थी अभी। बाप, ये दीदी को इन्होंने इतना बोला, कहती पता नहीं क्या बना के रखती थे। तो इसमें आप बताओ, अब हमारी गलती, अब हम ज्यादा शरारती हुए कि आप ज्यादा शरारती हुए? तेरे बाल झुंडा ना काटूंगी, नो करूंगी, हम बॉय कट करके खड़े थे। कल सपना पता नहीं कहाँ से कहाँ गए थे, वो देहरादून में किसी रिसॉर्ट में गए थे, वहाँ से पालक लेके आए हैं। इतना कच्चा पालक है, आज मैं पालक पनीर बनाऊँगी। मतलब मैंने मम्मी नहारी थी, मम्मी पूजा करेंगी और काफ़ी काम हो जाएगा। और मैं खड़ी हुई थी, एक बार काट वाट दूँगी, बैठ बैठ के तो सब्जी काटी जा सकती है। मैं अभी यहाँ पर मैंने पैर रखा, अंधेरे में देखा नहीं, और ये देखो ये मेरा जूता गया था, ये जल में मेरा जूता गया और सीधा वहाँ चला गया था। वो तो अभी जल कम है, रात को पता नहीं, मतलब स्लिपरी थी और पूरा ये शूज़ गीला पड़ा है मेरा। आज गिरी हूँ मैं इतने दिनों बाद, बच गई। मतलब बच गई, वैसे तो खैर कुछ होता नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म नज़र आ गया, पर हाँ टांग वांग टूट जाती। अब पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है। मनी प्लांट ठीक कर दिया आधा से ज़्यादा, ये वहाँ भी करते, दिल्ली में भी लगे रहते हैं ऐसे ही। इनको अपने अनार बो रखे हैं घर में और पता नहीं क्या क्या, पूरे पेड़ों, तभी तो इनका मन नहीं लगता था कि मेरे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे। आज मैं ना थोड़ी देर के लिए आई हूँ बस, किचन में पालक पनीर ये बना के जाऊँगी। प्याज लहसुन जो कुछ खाता है खाता है, नहीं खाते नहीं खाते, उसको फ्राई करना है, पनीर की ग्रेवी बना दी है। फिर से इसको भून लेंगे, और पालक हमने पहले उबाल दिया था, जैसे कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर की ग्रेवी होती है ना, उसी तरीके से इसको बोलना है पालक पनीर की ग्रेवी। तो सारे दरवाजे बंद रखते हैं कि हवा चल रही है, ये थे ना सारे, हम दरवाजे खोल के रखते थे, अब हमारे घर में सारे दरवाजे बंद है। एक तो दिया बंद करके रखती है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, घर के सामान में से ही वो हो जाती है स्मेल, हवा आनी चाहिए बाहर की फ्रेश फ्रेश, है ना, वैसे ही कह रही। प्याज भून गई है, अब मैंने सब कुछ ऐसा मोटा मोटा कटवा दिया, इसमें हल्दी डलेगी नहीं, मिर्च डल चुकी है, थोड़ी डालनी है तो हल्की सी लाल मिर्च, मैं और कुछ नहीं डालती, और उसमें भी टेस्टी बन जाता है बढ़िया। आप इस तरीके से बनाओ, बहुत टेस्टी दाल पालक बनेगा। अब जैसे ये ठंडे हो गए ना, तो इसको इसमें पीस लेंगे। अब इसमें जीरा और हींग डाल लीजिए, और ये काम फटाफट बहुत जल्दी होता है, ये पालक पनीर तो बहुत जल्दी बनता है। अब इसमें धनिया डाल दें, पता है एडजस्ट चला नहीं सकते क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और मम्मी करके रखती हैं सब कुछ बंद दरवाजे। और इसमें डाल दी मलाई, एक चम्मच से, एक हाथ से करना पड़ रहा है, दिया नहीं है ना, स्कूल गई आज। अब ये हो चुका है, और इसके अंदर डाल दिया मैंने ये पालक। मम्मी कहती पालक कम पड़ेगा, मैंने कहा मम्मी ग्रेवी भी डलती है इसमें। जब ग्रेवी हो जाएगी ना, तीन जनों में बहुत है ये पालक में, क्योंकि ये ना नेचुरल पालक है, मतलब इसके अंदर कलर नहीं है, तो ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्का सा ग्रीन ग्रीन होता है वो, जो आप कभी भी देखेंगे ना, और जो वैसा कलर वाला पालक होगा वो हमेशा डार्क ग्रीन वैसा होगा। अब इसको अच्छे से खदकने देंगे, ये मैंने पनीर काट के रख लिया है। मम्मी आंटी से काम करा रही हैं, बैठ है जूता फंसा दिया आपने मेरा। मम्मी जब आती है तो आंटी के पीछे लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसको तो टाइम मिल नहीं पाता, मैं तो आंटी चली जाती और आंटी और दोनों मम्मी मिलके फिर सफाई करती करवाती है साथ साथ लग के। ऐसी हमारी मम्मी थी, इनकी शर्मा जी की मम्मी भी जब वो होती थी। ये देखिए ये रेडी हो गया है, बस ये आनी शुरू होगी ना इसकी मलाई सी, बस इसकी ना ऐसे शक्ल पे ना जाओ, इस तरीके से बनाओगे तो आपको डबल टेस्टी लगेगा। ऊपर से क्रीम मलाई जिसको मिलाने मिला लो, मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी थी, उसके बाद हम देसी घी डाल के खाते हैं इसके अंदर, वो अलग से स्वाद आ जाता है। मम्मी ने अपनी प्लेट में दे दिया, कहती कि ना कि मम्मी तो खुद उठ नहीं सकती है, पेट पे मतलब रेस्ट बोल रखा है, कहती मेरी प्लेट में खा। तो अभी उनकी प्लेट में, और फिर बोलती टेस्ट करके भी दिखा दे,
तो अब टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। और बूंदी का रायता नान बूंदी। अभी नानी बोल रही थी कि ना अपनी तरफ रख इसको, आपको पता आप भी आ रही हो उसमें। अच्छा मैं भी आ रही हूँ। हाँ तो अब हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। अंदर सवाल है, थोड़ी सी जोर से बोल ले। आपको आता था मम्मी वो तेज चलाने की? ये ऐसे अच्छा बना, स्वाद बना बहुत। इसमें बैठे बैठे भी अपना काम चल रहा है, काम रुकेगा नहीं। और मैं अभी एक आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी बुआ जी फरीदाबाद में रहती हैं, वो उनका मैंने स्टेटस देखा, फिर मैंने वीडियो मंगवाया। उनकी छोटी बेटी जो है वो दामन लेके आई है, उनकी बड़ी बेटी पोलैंड में रहती है, वो भी आई हुई है अभी। और उनकी पोती बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली तो पोलैंड में रहती है, उनकी बेटी की बेटी है, बड़ी वाली बेटी की बेटी है, छोटी वाली बेटे की बेटी है। दो बेटियाँ और एक बेटा है। तो उनकी सबसे छोटी बेटी जो है वो दामन लेके आई है, तो इन्होंने डांस किया है दामन पे। इस वीडियो को मैं डालूंगी। बुआ जी को बहुत शौक है डांस का और गाने का। मैं उनको बुला रही थी, वो मम्मी के साथ पहले बोल रही थी, फिर वो आ नहीं पाई, उनकी तबीयत ख़राब थी। राजस्थान और हरियाणा, इनकी जो ड्रेसेस होती है ना, हमारी दीदी भी, मौसी जी की बेटी भी राजस्थान में रहती है, मौसी जी भी राजस्थान में अजमेर में रहती हैं, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली। तो उनकी बेटी भी राजस्थान में है, बड़ी वाली बेटी जो है, जब वो अपनी देवती को, मतलब अपनी बेटी की बेटी को ड्रेस पहनाती है ना राजस्थानी, परसों वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा दीदी ऐसी ड्रेस चाहिए, तो वो कहती कि हाँ बिल्कुल, जब मैं आऊँगी जब ज़रूर लेके आऊँगी तेरे लिए। और स्पेशली राजस्थान में भी जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं बहुत अच्छी लगती है वो। और दिया गई है पार्टी में, हमारे सोसाइटी में एक्चुअली बड़ी है तो बर्थडे पार्टी होती रहती है। मैं तो अब खाऊंगी नहीं रात को, मम्मी और पापा 7 बजे खा लेंगे। यार फिर से पार्टी करके आई या कुछ बुरी हो? क्या बता क्या खा खाइए बोल रहे बकवास कर रही है। मैंने खाया फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, पास्ता, गुलाब जामुन, केक और क्या सैंडविच। हाँ तो तेरी मौज हो गई है ना, ज्यादा खा लिया, थक गई है खा खा के। कल मैंने दोनों चेयर खाली करी थी, ये तो चलो अभी रखी गई है। इस चेयर पे इस लड़की के कपड़े हैं, और ये मैंने कंबल ना मनोज भैया से मंगवाए थे। मैंने वैसे मंगाए थे कि मैंने कहा मैं पेटीएम कर दूंगी क्योंकि आप डिस्काउंट कर देते हो, मतलब डिस्काउंट कर देंगे। अब उन्होंने ना अभी तक पैसे नहीं लिए, बाद में बोल रहे नंबर बता रहा हूँ, और जो नंबर मेन नंबर है वो पेटीएम नंबर में नहीं है बता रहे। अब मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊंगी। अब देखो गिफ्ट एक अलग बात होती है कि आप आ रहे हैं तो आप ले आए, बहुत सारा गिफ्ट लेके आए थे, क्या थोड़ा कर रही है, लेकिन आपने पैसे नहीं लिए क्योंकि मैं फिर आगे से ये होगा ना कि हम खरीदेंगे ही नहीं। इतनी तेज मुझे मम्मी के टाइम की याद आ गई, हमारे घर में पूरे पुराने सीरियल चलते थे, अब वो सीरियल चल रहे हैं। मम्मी भी देखती रहती थी पूरा दिन सीरियल। तो आज हमने सोचा आज हम नानी को पकड़ते और मम्मी और दोनों मासियों के बारे में पूछते, क्योंकि हमारे मम्मी तो हमारे बारे में बताती रहती है कि हमने बचपन में क्या क्या अभी भी क्या क्या किया है, लेकिन इनकी कभी शरारतें नहीं पता करी। तो ऐसी पसर पसरे हुए कहानियां सुनते हैं इनकी। पसरे हुए मतलब मैं पढ़ी हूँ ना, मेरे साथ ये भी पसर गई है। तो नानी बता इन तीनों में से सबसे ज्यादा शरारती वगैरह क्या था, कुछ कौन था कोई बताओ इनकी। बोल नहीं सकती नानी, नहीं बता दो कुछ नहीं होता। मेरी मम्मी तो देखो भाग दौड़ में बहुत वो थी, शुरू से ही खेलों में बहुत बहुत फर्स्ट आई कई बार, एक एक हजार। अरे वो मुझे कई बार नहीं, 10-15 बार सर्टिफिकेट है। ये तारीफ वाली नहीं बात मैंने पूछी, तो लड़ाई वाली बताऊं? हाँ कुछ ऐसी। हाँ लड़ने में कौन तेज था? लड़ने में तो लड़ने में सारे इंटरेस्ट लेंगे ना, ना लड़ने में तो यो तेज थी। लो लो देख लो देख लो। अच्छा अच्छा क्या हुआ था ऐसा कुछ? काम करने में, काम करने में भी वही तेज थी। नहीं वो बता रहा कुछ लड़ने में क्या हुआ था। लड़ने में कुछ ना, बस हाथ पोछे भी बात ना, सुबह सुबह मतलब अपनी चाची के साथ भी होती थी इसकी। जिसकी चाची स्कूल में जाती थी तो 5 बजे उठ जाती थी। मैं बताती हूँ एक बार मेरी भी सुन लो, मम्मी को याद नहीं होगा। हमारे सर थे वो बुलाते थे 6 बजे, ठीक है, चाची का भी वही नहाने का टाइम। अब वो 6 बजे बुलाते थे तो मुझे लगता था कि 6 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाना चाहिए क्योंकि वो प्रैक्टिस करवाते थे
रनिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, इसलिए मेरे चाची की नहीं एक घंटा से गुफा बनाने में लगती थी। ये दीदी को इन्होंने इतना बोला, कहती पता नहीं क्या बना के रखती, क्या बना के रखती है, अब क्या हुआ गुफा पफ के लिए बोल रही है, पफ बनाती थी एक घंटे में मम्मी, फिर काजल डालती काजल। हम लोगों को बोलती है, हम लोग ना स्कूल में इतना सिंपल रहते थे ना, हमने शादी के बाद में सब कुछ स्टार्ट किया है। मम्मी काजल काजल तो मैं लगाती थी, काजल अच्छा लगता था, पफ बना के जाती थी। आपकी बात कुछ नहीं मानूंगी अब मैं, बताऊंगी नहीं, बस वो चोटी के मामले में और शाही गार्डन के मामले में, शाही गार्डन के मामले। अरे आप कुछ बताओ, और कुछ बताओ और कुछ ऐसा कोई किस्सा अच्छा। और लेकिन स्कूल में कभी भी लेट नहीं हुई ना, कभी स्कूल मिस करा इसने, देख लो ये। अरे कोई किस्सा बताओ ना वैसे, घर घर मतलब जो भी किसी की नई शादी होती थी क्या सब बहुओं से मिल कर आती थी सबसे, रमा सब जानते, रमा को पूरे गाँव में और गुड़िया को कोई नहीं जानता। गुड़िया को तो जब हमारा घर बना ना जिसका हम रहने गए, उनने पता जब पता चला कि इनका तीसरी भी लड़की है। और रमा की सफाई के बारे में बता दो थोड़ा सा। बताओ बताओ किसने होता। रमा तो है, चलता काम करे करती है। पैर से क्या, पैर से पोछा लगानी करती, करी जिसको अच्छा लगे वो लगा लो, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। रमा हांडन में मजबूत थी, घूमने में डायरेक्ट ना। बस। और कभी पिटे नहीं है लोग इन तीनों में सबसे ज्यादा? माता जी बाल पकड़ का कई बार कर दिए। माता जी हमारी दादी, माता जी क्यों जब ये बोलते थे बाल बाल कटवा के आते थे, बॉयकट वगैरह एक बार मारी थी। रमा मैं भी दोनों पहुंच गए, हम बस स्टैंड पर अंतरी नगर से आए थे और ये दोनों की दोनों वहां बस स्टैंड पर खड़ी पाई हमने। माता जी ने वहीं से गाली पकड़ी शुरू कर दी। क्या बोला पता नहीं क्या कही थी, वो कहती थी तेरे बाल झुंडा काटूंगी नो करूंगी, हम बॉयकट करके खड़े थे। फिर रमा को तो, रमा को कुटी से लटका दिया था ना उल्टा। हाँ रमा को लटका दिया था कुटी से, उल्टी पैर बांध के उल्टी करके लटका दिया इनको ना, युवा थी बस में। तो नहीं पिटाई तो इनकी भी होनी चाहिए ना, इन्होंने भी तो कटवाए थे। पिटाई ना करी उसने, पिटाई मतलब इनको भी तो लटकाना चाहिए मुंह से ही ना, वो तो किसी और बात गाली मुंह से गाली गाली नहीं, वो गाली भी नहीं दे, वो कुछ और कहती, मुझे बोल दिए करती, वो जो भी कुछ उसके मुंह में आया था ना बोल दिए करती, लेकिन मारे ना करती। नहीं मारा नहीं था, मारा ना था ना, हमसे वो मंगवाया करती, फूल मंगवाया करती। तू वो जिसकी घर में शादी होती ना, चल 10 रुपए देऊंगी वहाँ दे आइयो, वहाँ दे आइयो भाजी, वहाँ बांट आइयो, 10-10 रुपए दे कर लालच में जाया करती। ये यही से तो आया मेरे को, ये यही से आया मेरे को कि कुछ दो उसके बाद वीडियो बनाऊंगी, ये यही से आया है और कहीं से नहीं। वो रमा करती थी ज्यादा काम, रमा अपने स्कूल में टीचर को पानी पिला के आया करती। क्यों बस क्यों मिला, तू लड़की थी सबसे नहीं कि मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे नहीं उसको शौक था रमा। और गुड़िया हमारी बोलती नहीं थी, अब जो इतना बोलती है वो शुरू बिल्कुल ना बोलती थी, वो गूंगी थी एकदम से। गुड़िया के बारे में भी कुछ बता दो, हम दोनों के बारे में तो बता दिया। हाँ। गुड़िया तो देखो सीधी थी, गुड़िया हाँ, सीधी थी। इच्छा है गुड़िया बेच सकते है, जो ये इनकी देख के ना तो गुड़िया सीधी थी। तो उनके कोई ऐसी बताएंगे फिर, वीडियो कॉल करनी पड़ेगी अभी लाओ। मम्मी ना छोटी वाली बहन से इतना डरती है, उससे पूछ रही है, उनसे ना पूछ के बता रही कि ये बता दो वो बता दो। बताऊंगी चल ठीक है, ये को ये बता रही है, ये भुला देती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी बताओ अब ताई तुला की बात नहीं, बताओ अब क्या कह रही है, क्या कर दूंगी, देख ले कितनी शरीफ है, टाइम बम चढ़ा दूं, देख ले कितनी शरीफ है, इसमें धमकी दे। वो तो बचपन की बात थी, क्या हो गया, सब ठीक है, वो तो सही बात है ना जी जी। क्या सही बात नहीं बताओ आप, कोई नहीं कुछ भी ना है, मैं ऐसे मजाक कर रही थी, हम जानना चाहेंगे, हमने पता ही था ये बेकार। अभी बहुत बढ़िया बात आई है, लाइक नहीं, एक बात और बताइए रमा ने,
रमा ने अभी वीडियो कॉल ज्वाइन नहीं करी। तू स्कूल जाने के लिए साइड में प्याज लगाए करती ना जाने के लिए बुखार चढ़ जाए बुखार तो इसका वैसे चढ़े करता हाँ वही तो नया आइडिया दे दे तू बच्चों को ये चोटी करवा रही है और बताती नहीं इतनी बड़ी हो गई है चोटी मेरे से करवाती है दो चोटी GoPro स्टॉप देखो मैं बैठे बैठे भी काम कर रही हूँ लैपटॉप पे भी कर रही हूँ और इसकी चोटी भी GoPro मैं इस लड़की को कह रही हूँ सिर्फ एक ही काम है जाके गंगा जी पे एंडिंग करिया पर ये है कि सुनती नहीं है आपके तो खुद के मजे आ रखे थे ठंडी हवा चल रही है ना अच्छा हाँ खुद तो मूवी वो देख रही हूँ वहाँ पे देखो मैं देख रही हूँ रश्मि रॉकेट और मुझे अभी लाइव भी आना है तो मैं थोड़ी सी मोटिव हाँ मतलब ये कह रही है कि आपके मजे आ गए हैं कि आप बेड में पड़े हुए इस टाइम पे और कल धूप निकलेगी बस खाली उसके बाद दो दिन बारिश बताएगी जबरदस्त इस वीडियो के एंडिंग में इतनी बार कर चुकी ना मैं सिर्फ बोला भी नहीं जा रही इतनी ठंड हो रही है तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में सुना कि मम्मी की शरारतें बचपन की तो मुझे अब तो पता ही चल गया वो तो बातें सुनकर ही नानी के पता चल गया कि हमसे ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा शरारती हुए करते थे क्योंकि हम लोगों को तो टीवी चला के या फ़ोन देख के हमें तो वो चले जाते थे कि हाँ और हम चुपचाप लगे भी रहते हैं मतलब साइड में कोने में लेकिन पहले के टाइम पे तो और इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है आप लोगों की गलती है कि आप लोग देखे जाते देखो हम कितने शरीफ हैं ये मैंने बोल दिया आप मेरे को मोबाइल नहीं मिलेगा तो लेकिन पहले के टाइम पे टीवी देखने के बाद भी वो कारनामे करके फिर वो बच्चे पिटते थे तो इसमें आप बताओ अब हमारी गलती अब हम ज़्यादा शरारती हुए कि आप ज़्यादा शरारती हुए तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं और नहीं बोलूँगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज़ और जल्दी से करवा दो यार ये भी साल ख़त्म होने को आ गया 100 के तो एटलीस्ट करवा ही दो जल्दी और मम्मी पापा बच्चों का ध्यान रखें बच्चे मम्मी पापा का ध्यान रखें हर गंगे हर महादेव और पेड़ लगाना ना भूलें।